जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। इन समय नहीं जाए पीपल के पास, नहीं तो हो जाता है दुर्भाग्य शुरू। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी और अलक्ष्मी का वास पीपल में ही माना जाता है। जिस प्रकार लक्ष्मी सुख समृद्धि को बढ़ाती है, जीवन में सुख को बढ़ाती है, उसी प्रकार अलक्ष्मी का भी वास पीपल के पेड़ में माना जाता है और ये दरिद्रता को बढ़ाती है। यूँ तो पीपल के पेड़ के बहुत से फायदे होते हैं, इस पर जल चढ़ाना और दीपक जलाने से काफी फायदे मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय आपको पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए और दुर्भाग्य आपके पीछे लग जाता है अगर आप वैसे जाते हैं तो, और आसानी से पीछा भी नहीं छोड़ता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सूर्योदय के बाद माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का वास होता है। रविवार के दिन इस पेड़ पर पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि काफी बार ऐसा देखा जाता है कि इससे दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। वैसे ही जब सूरज डूब जाता है तो उस समय पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी का वास होता है, यानी लक्ष्मी जी की बहन का वास होता है, क्योंकि सूर्योदय से पहले दरिद्र देवता का अधिकार पीपल के पेड़ पर होता है और आपको उस समय पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। काफी लोग इस बात को नहीं जानते हैं और जाने अनजाने में ये गलतियां कर बैठते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्योदय के बाद ही पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और इसके बाद ही आपको जल चढ़ाना है, यानी कि जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद ही आपको दिया जलाना है और जल चढ़ाना है, इससे पहले ना किया करें। इसके साथ ही अगर आप पर शनि की साढ़े साथी चल रही है या शनि ग्रह से आप बुरे परिणाम आपके जीवन में मिल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हर शनिवार को 12 बजे से पहले पीपल के पेड़ की आपको 108 परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से शनि ग्रह का प्रकोप समाप्त हो जाता है। हर शनिवार को करें आप ऐसा। जब भी आपको लगता है कि शनि ग्रह से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, दुर्भाग्य बढ़ रहा है, तो आपको शनिवार के दिन 12 बजे से पहले 108 परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में शनि की दशा से दुष्प्रभाव मिलने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपको अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। जब भी आप ऐसी परिक्रमा करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, काफी बार आपने देखा भी होगा कि पीपल के पेड़ पर कलावा बंधा हुआ होता है, तो काफी लोग इसीलिए उस पर ये उपाय कर कलावा बांधते हैं। जब भी आपको परिक्रमा करनी है तो उस कलावे को शुरू करके 108 बार घुमाना है, या आप चाहे तो बांध भी सकते हैं। और आप शनि ग्रह से परेशान है तो आपको हर शनिवार ऐसा करना है, पीपल के पेड़ पर 108 परिक्रमा करते हुए आपको ये कलावा बांध कर आ जाना है। ऐसा करने से बड़े ही अच्छे परिणाम मिलते हैं और शनि ग्रह के जितने भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में चल रहे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शनि ग्रह से जीवन में काफी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है, काफी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, गृह कलेश होता है, तो आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन बातों से आपको सफलता जरूर मिलती है, जरूर अपनाएं इन बातों को और देखें कैसे उन्नति मिलती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।